हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं जा रही हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पे मुझे बहुत ही एक एडवेंचरस फीलिंग आने वाली है। अभी मैं घर से निकल चुकी हूँ और आपको वीडियो में आगे पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं घर से निकल चुकी हूँ, अभी मुझे कुछ टाइम लगेगा वो उस जगह पे पहुँचने में। तो अभी इस लॉन्ग ड्राइव का मज़ा लेते हैं और देखते हैं बाहर का अच्छा सा व्यू। तो रास्ते में जाते वक्त आता है ये बड़ा सा ब्रिज, आप देख सकते हो। हम ब्रिज पे आ चुके हैं। ये ब्रिज नदी के ऊपर बनाया गया है और वो सामने है, वो नया ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चालू है, वहाँ पे नया ब्रिज बन रहा है। तो हम इस जूने ब्रिज से जा रहे हैं और देखते हैं हमें आगे क्या दिखता है। तो गाइस देखो, मैं इधर आ गई हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लोगों ने खेती किया है और यहाँ पे मुझे क्या दिखा, कैमल। अरे चलो, कैमल का पीछा करेंगे हम। हम अभी आगे आ चुके हैं कैमल से, बट मुझे कैमल्स को एकदम पास से देखना है। तो अभी हम जाएंगे आगे और कैमल को देखेंगे एकदम पास से। तो चलो चलते हैं। तो हमने गाड़ी घुमा लिया है और अभी हम कैमल के पीछे पीछे जा रहे हैं। सो वाओ, कितने अच्छे लग रहे हैं कैमल, और इनको कितने अच्छे सजाया गया है। वाओ, इनका बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन वगैरह किया गया है और मुझे तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। क्या आपने रियल में कैमल देखा है, कमेंट में ज़रूर बताना। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा रियल में ऐसा कैमल को सामने से देख के। ये कैमल का नाम देखो शेरा लिखा है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कैमल को देख के। अभी हमने कैमल देख लिया है, अभी मैं जाऊँगी अपने आगे का सफ़र तय करने। तो बाय बाय कैमल, मिलते हैं कभी और। तो मैं अभी आगे आ चुकी हूँ, आप देख सकते हो। तो ये है एकदम नेचुरल व्यू, आपको दिखेगा यहाँ पे आजू बाजू आपको झाड़ ही दिखने वाले हैं। और बहुत ही नेचर वाली फीलिंग आ रही थी इस रास्ते से जाते वक्त, और आगे और भी ऐसे आने वाले हैं रास्ते, तो देखते रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मैं सुबह जल्दी निकल गई थी, इसलिए मुझे आप देख सकते हो पूरा रोड खाली मिला है और यहाँ पे ट्रैफिक का कोई भी झंझट नहीं है। मैं बहुत ही जल्दी निकली थी इसीलिए। तो इस लॉन्ग ड्राइव का पूरा मज़ा लेते हुए मैं आ गई हूँ अपने फाइनल लोकेशन पे, यहीं पे मुझे आना था। तो यहाँ से अब अभी हम जाएंगे आगे। और आपको मैं बता दूँ कि ये जो ऊपर है ना, उस पहाड़ पे एक मंदिर है, और उस पहाड़ पे जाने के लिए हमें बहुत लंबी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। तो आप देख सकते हो मेरे मम्मी पापा यहाँ से आ रहे हैं एकदम मस्त, में गॉगल वगैरह लगा लिया है क्योंकि अभी धूप हो चुकी है। तो अभी हम जाएँगे यहाँ से, कुछ हार फूल वगैरह लेंगे, पूजा का सामान, और फिर हम मंदिर के लिए आगे बढ़ेंगे। तो सीढ़ियाँ स्टार्ट होने के पहले आप देख सकते हो बाजू में यहाँ पे पूजा की सामग्री यहाँ पे मिल जाएगी इस दुकान में। और यहाँ पे आगे थोड़ा सा छोटा मंदिर भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पे इस पूजा की सामग्री के बाजू में छोटा सा ढाबा चला रहे हैं, यहाँ पे अगर किसी को भूख लगती है तो वो भी खा सकते हैं। तो अभी तो हम पूजा की सामग्री लेंगे और फिर अभी हम सीढ़ियाँ चढ़ने जाएँगे। तो चलो चलते हैं, पूजा का सामान लेना था, तो इसीलिए आप देख सकते हो मेरे मम्मी पापा वहाँ से सामान ले रहे हैं और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ सीढ़ी के पास में। आप देख सकते हो यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है और हमें यहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट करना है और हमें बहुत ही पहाड़ के ऊपर जाना है। तो चलो चलते हैं। यहाँ पे मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, पहली सीढ़ी वो चढ़ चुके हैं यहाँ का, और अभी हमें बहुत ऊपर जाना है सीढ़ियाँ चढ़ के। तो चलो, बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है ये। स्टार्टिंग में थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ने के बाद आपको एक छोटा सा मंदिर दिखता है स्टार्टिंग पॉइंट में, फिर हम यहाँ पे दर्शन करेंगे और फिर हम जाएंगे ऊपर। अभी तो बहुत लंबा सीढ़ी चढ़ना बाकी है, ये तो स्टार्टिंग है। तो आप देख सकते हो एंट्रेंस से थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ने के बाद यहाँ पे ये मंदिर छोटा सा बनाया गया है। यहाँ पे मैं जा रही हूँ दर्शन करने। यहाँ पे मैं दर्शन करने के बाद फिर मैं आगे की सीढ़ियाँ चढ़ने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो मैं दर्शन कर रही हूँ। तो चलो, फिर मैंने दर्शन कर लिया है और अभी मैं जा रही हूँ आगे की सीढ़ियाँ चढ़ने।
सो मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ आगे जाने के लिए और मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, तो आप देख सकते हो। तो चलो, मैं तो यहाँ पे वीडियो शूट करते करते चल रही हूँ यहाँ पे, और आप देख सकते हो मैं पूरा सीढ़ी है जो स्ट्रेट वाली सीढ़ी थी वो कंप्लीट करने वाली हूँ, और अभी आगे की सीढ़ी आने वाली है। तो आप देख सकते हो एक स्ट्रेट सीढ़ी थी और फिर लेफ्ट में सीढ़ी स्टार्ट होती है। यहाँ पे मुझे मिला है छोटा सा बच्चा, मैंने इसको कहा हाय बोल हाय, तो वो चला गया भाग के शर्मा के। तो यहाँ से मैं और मम्मी आ रहे हैं, और आप देख सकते हो नीचे की सीढ़ियाँ हमने कंप्लीट कर ली है। फिर उस उधर से हमने लेफ्ट लिया है, लेफ्ट की ओर ये लंबी सी सीढ़ी है, यहाँ पे हम दोनों आ रहे हैं आराम से, आप देख सकते हो। आप लोग देख सकते हो कितनी लंबी सीढ़ी और आगे बाकी है। यहाँ से मेरे पापा आ रहे हैं और वो भी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तीन लोग दर्शन करके नीचे जा रहे हैं, और अभी हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमने कुछ डिस्टेंस कवर किया है और अभी हम कुछ ऊंचाई पे आ गए हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ के कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, यहाँ पे एकदम ग्रीनरी, ट्रीज वगैरह कितने मस्त दिख रहे हैं। तो ये देखो कितना शानदार व्यू दिख रहा है ऊपर से, और यहाँ पे हम खड़े हैं सीढ़ियों पे, आप देख सकते हो, और ऊपर से एकदम व्यू है ना जो, वो बहुत ही मस्त दिख रहा है। तो यहाँ से इतना मस्त व्यू दिख रहा है, और आप देख सकते हो मैं हूँ यहाँ पे खड़ी, और इतना ज़्यादा डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। देखो मैं कितना ऊपर आ गई हूँ, आप देख सकते हो। तो गाइस मैं यहाँ पे जा ही रही थी, तो यहाँ पे मुझे क्यूट लिटिल फैंस मिल गए मेरे, और ये लोग हाय बोल रहे हैं आप सबको, तो हाय। तो अभी तो मैं रह गई हूँ पीछे, मम्मी पापा निकल चुके हैं आगे, तो चलो फटाफट चलते हैं और मम्मी पापा को पकड़ते हैं। ये देखो यहाँ से दो सीढ़ी है, अभी कहाँ पे जाना है हमें नहीं पता। हाँ यहाँ पे पब्लिक दिख रही, तो हमें शायद इस तरफ से ही जाना होगा, तो चलिए हम इस रास्ते से चलते हैं। ये रास्ता बंद है, यहाँ पे सब कांटे के झाड़ डाले गए हैं। ये पुराना सीढ़ी है, ये नया सीढ़ी है, तो हम यहाँ से चलेंगे। ओके, समझा कि यहाँ पे है नया सीढ़ी और यहाँ पे कुछ पब्लिक हमें दूर से दिखे हमें, तो हमें यही सीढ़ी पकड़नी चाहिए। तो अगर आप भी कभी आओगे यहाँ पे दो सीढ़ियाँ मिलेगी, तो आपको इस सीढ़ी वाले से आना है, बिकॉज ये सीढ़ी नीट एंड क्लीन है और आगे आपको पब्लिक दिख रही है।
तो फाइनली हमारा रास्ता सही है, बिकॉज यहाँ से भी लोग आ रहे हैं यही सीढ़ी से, और उस सीढ़ी से कोई नहीं आ रहा था, तो हमें समझ में आ चुका है कि यही सीढ़ी करेक्ट सीढ़ी है। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ लोग यहाँ पे दर्शन करके जा रहे हैं नीचे, और अभी तो हमने स्टार्ट किया है, अभी हम ऊपर जाना है और भी लंबी सीढ़ियाँ चढ़नी है। ये देखो मेरे पापा, और यहाँ से अभी हम आ गए हैं यहाँ पे। लोग आप देख सकते हो कॉलेज के फ्रेंड्स लोग यहाँ पे जा रहे हैं दर्शन करके नीचे, हम तो जा रहे हैं ऊपर। देखो मैं कितना ऊपर आ गई हूँ, आप देख सकते हो। तो अभी हमने इतना लंबा डिस्टेंस कवर करने के बाद हम थक चुके हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे खड़े हुए हैं, और मम्मी यहाँ पे बैठी हुई है और रेस्ट कर रही है थोड़ा सा, बिकॉज वो भी बहुत थक चुकी है। रेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पापा कर रहे हैं रनिंग और सीढ़ियों पे भाग भाग के चढ़ रहे हैं। तो गाइज मैं बहुत ज़्यादा ऊपर आ गई हूँ, और आप देख सकते हो ऊपर से कितना शानदार व्यू दिख रहा है, पूरा नेचर लुक यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो। सोलार पैनल यहाँ पे लगाया है, सोलार पैनल गाइज आप देख सकते हो यहाँ से मैं आ रही हूँ, और अब मैं आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर चुकी हूँ, अभी मुझे और आधा सीढ़ियाँ चढ़नी बाकी है, तो यहाँ से मैं आ रही हूँ फुल स्टाइल में आप देख सकते हो। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ का नेचर व्यू लेते हुए मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो मैं कितना ऊपर आ चुकी हूँ, ये देखो यहाँ से पूरा शहर दिखता है, और मैं यहाँ पे बहुत ऊपर आ चुकी हूँ सीढ़ियों से चढ़ चढ़ के, और मैं रही यहाँ पे ये सीढ़ियाँ चढ़ते जा रही हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सोलर पैनल आपको दिख रहा है, यहाँ पे रात को लाइट उसी से जलती है। तो अभी हम आधे से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं, अभी कुछ थोड़ी सी ही सीढ़ियाँ बाकी रह गई है, तो चलो देखते हैं कितना ऊपर है वहाँ पे मंदिर।
तो हम इतना ज़्यादा ऊपर आ गए हैं, तो आपको यहाँ से दिखेगा कितना ज़्यादा हम ऊपर आ गए हैं और बाकी के बिल्डिंग्स कितने छोटी छोटे यहाँ से दिख रहे हैं। देखो यहाँ से मंदिर दिख रहा है और बहुत ही कम डिस्टेंस बचा हुआ है, अभी हम पहुँचने ही वाले हैं मंदिर। तो फाइनली यहाँ से मंदिर दिख रहा है क्लियरली और आप देख सकते हो इतना थोड़ा सा डिस्टेंस ही बचा हुआ है। मम्मी पापा एकदम आगे निकल चुके हैं और मैं रह गई हूँ पीछे, अभी मैं जाऊँगी ऊपर, तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शूज निकालना होता है और फिर हम जाएंगे ऊपर। चलो फिर मंदिर के अंदर जाते हैं, लेट्स गो गाइस। ये देखो मेरे मम्मी पापा पहुंच चुके हैं और मैं रह गई हूँ इधर यहाँ पे शूट करते हुए, अभी मैं जाऊंगी ऊपर, तो चलो चलते हैं। सो वाव, यहाँ से कितना शानदार व्यू दिख रहा है, आप देख सकते हो कितना मस्त नेचर व्यू दिख रहा है, यहाँ का सीनरी कितना अच्छा है। और मैं फाइनली आ चुकी हूँ मंदिर में और यहाँ से आप देख सकते हो कितने हाइट पे ये मंदिर बनाया गया है और आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे लोग आए हैं मंदिर का दर्शन करने के लिए। तो ये रहे मेरे पापा और ये रही मेरी मम्मी और हमारा है ये फैमिली फ़ोटो, कितना अच्छा दिख रहा है। और अभी हम जाएंगे मंदिर के अंदर दर्शन करेंगे और फिर मैं आपसे वापस आके मिलती हूँ। फाइनली हमने दर्शन कर लिया है और यहाँ पे पापा आ गए हैं नारियल को फोड़ने के लिए, तो यहाँ पे नारियल को फोड़ा जाता है, तो ये नारियल हमने चढ़ाया था भगवान जी को और यहाँ पे हम नारियल को फोड़ रहे हैं। तो यहाँ का व्यू इतना शानदार और अच्छा लगा मुझे, यहाँ पे आके मन को शांति मिलेगी और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइज यहाँ पे धूप बहुत हो चुकी है, भले ही हम जल्दी निकले तो क्या हुआ, बट यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हमको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा निकल चुकी है। तो अभी हम उतर रहे हैं सीढ़ियों से बिकॉज हमने दर्शन वगैरह सब कर लिया है, बहुत ही अच्छा लगा हमें जाके ऊपर। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे सीढ़ियों से, आप देख सकते हो मेरे पापा यहाँ से जा रहे हैं। तो ये रही मैं सीढ़ियों से उतरते हुए। सीढ़ियाँ उतरने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा बिकॉज़ उतरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और चढ़ने में आप थक जाते हो इसलिए आपको ज़्यादा टाइम लगता है। तो मम्मी पापा आगे निकल चुके हैं और मैं हूँ इतना पीछे, तो चलो चलते हैं फटाफट। गाइस मैंने दर्शन कर लिया है, अभी मैं नीचे उतर रही हूँ सीढ़ियों से और फिर मैं कुछ नाश्ता करूँगी और अपने घर पे जाऊँगी, तो चलिए चलते हैं नीचे। ये देखो मेरे मम्मी पापा पीछे हैं। तो नीचे उतरते हुए मुझे मिली है छोटी सी प्यारी सी बच्ची, बाय बाय बाय, वेयर इज द मॉम, मम्मी कहाँ पे, अकेले जा रही है, बाय बाय बाय। चलो मैंने उसे बाय बोल दिया और अभी हम जाते हैं नीचे। गाइस देखो मैं नीचे आ चुकी हूँ पूरा सीढ़ियों से उतर के, बहुत ही लंबी सीढ़ी, बाय द वे
हम थोड़ा सा नाश्ता करने जाएंगे एंड देन फिर हम घर पे जाएंगे। ओके, आप देख सकते हो मंदिर रह चुका है पीछे और मैं आगे। ओके बाय। तो मैं आ गई हूँ मंदिर के बाहर, मैंने कर लिया है दर्शन और अभी मैं जाऊँगी कुछ नाश्ता करने, तो चलो चलते हैं। तो नाश्ता करने के लिए मैं फाइनली आ गई हूँ होटल सह्याद्री में। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही टेस्टी वड़ा पाव मिलता है, यहाँ पे बहुत फेमस है यहाँ का वड़ा पाव, तो हम खाने वाले हैं यहाँ का वड़ा पाव, तो चलो चलते हैं। ये रहे मेरे पापा जो बैठ चुके हैं यहाँ पे और मैं भी यहाँ पे बैठ चुकी हूँ और हमने ऑर्डर दे दिया है, अभी हमारा वड़ा पाव आता ही होगा। ये फाइनली हमारा वड़ा पाव आ गया है और आप देख सकते हो हमने यहाँ पे 3 प्लेट ऑर्डर किया है और यहाँ पे आप देख सकते हो चटनी अलग से दिया गया है, एक मीठी चटनी है और एक तीखी चटनी है। और ये रही मेरी मम्मी, तो आप देख सकते हो अभी हम वड़ा पाव को एंजॉय करने वाले हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलो अभी वड़ा पाव में चटनी लगाते हैं और वड़ा पाव को एंजॉय करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं मेरे पापा वड़ा पाव को खाते हुए और अभी मैं यहाँ पे वड़ा पाव खा रही हूँ, तो आप देख सकते हो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ का वड़ा पाव और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो ये रही मेरी मम्मी वड़ा पाव को एंजॉय करते हुए। तो यहाँ का वड़ा पाव है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा हमें और हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया और आप देख सकते हो हमारे फेस के एक्सप्रेशंस को। तो गाइज मैंने तो आज के ट्रिप को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। ओके।